गुजरात के भावनगर जिले में महुआ सर्किट हाउस में एक खाली बियर टिन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने सर्किट हाउस प्रबंधक के साथ साथ पीडब्ल्यूडी को भी नोटिस जारी किया है। इस बात से इनकार करते हुए वीडियो वायरल होने पर शराबबंदी को लेकर विवाद छिड़ गया है। गुजरात में सरकारी सर्किट हाउस ही शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहा है, जहां देश भर के सरकारी मालिक निवेश कर रहे हैं। एक सरकारी विश्राम गृह में प्रतिबंधित खाली बियर के डिब्बे के ढेर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि डीएसपी भावनगर महोबा ने कहा कि वीडियो की जांच शुरू कर दी गई है और सर्किट हाउस मैनेजर के साथ साथ एक पीडब्ल्यूडी अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार सर्किट हाउस को सर्किट के सामने रोक रही है। बाबुओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि निष्पक्ष पुलिस जांच होने पर राजनीतिक दल के नेताओं के नामों का खुलासा करने की संभावना पर चर्चा हो रही है। भावनगर जिला ना महुआ खाते सर्किट हाउस में बियर ना खाली टीन से एवो एक जो वीडियो वायरल थयेलो एना आधार महुआ पुलिस त्याग रेड करेली पुलिस अधिकारी ने कर्मचारी रेड दरमियान आवो कोई वस्तु त्यांथी मळी आवेल नथी अने एटले कायदेसरने प्रोहिबिशन निलेट करी। तेम छतां त्यांना मैनेजर अने जे बीजा संलग्न पीएनडब्ल्यूडी ना जे एमने नोटिस आपी अने बोलाव्या छे ने वधु तपास आ बाबते हालमां चालू छे। वीडियो आजनो होय तेवो पुष्टि थई रही छे, ए बाबते कशुं के जाणवा मळ्युं छे खरी? ना, हजु सुधी एवुं जाणवा मळ्युं के आजनो छे के अगाउनो छे, પણ હાલમાં જે પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે એટલે વિડીયો બાબતે પણ તપાસ થશે અને તપાસની કાર્યવાહી પણ શરૂ છે। મેં કહ્યું એમ એમાં પ્રોહિબિશન જ્યારે પોલીસે રેડ કરી બપોરના સમયે આજે એ વખતે કંઈ મળી આવ્યું નથી એટલે નિલેટ કરીએ છીએ। દેખતી રહીએ ડીવી ભારતી સમાચાર, નજર હર ખબર પર।